खासकर लड़कियों को पिंकिश ग्लो पाने की है और इसके लिए ना जाने पार्लर में हजारों रुपए खर्च कर देती, पर नहीं आता है। दो मिनट के लिए तो आता है, फिर दूसरे दिन वही हाल। आयुर्वेद में बताइए घरेलू नुस्खा कुछ है। पिंकिश ग्लो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं के लिए, खासकर जो लड़कियाँ स्त्री औरत सुंदरता चाहती हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले उनका हीमोग्लोबिन कैसा है शरीर में, ठीक है। चेहरे का जो निखार है आपके ब्लड पे निर्भर करता है, ब्लड के फ्लो पर निर्भर करता है। और दूसरी चीज़ है कि आपका कैल्शियम शरीर में कैसा है, विटामिन डी कैसा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। केवल एक्सटर्नली आप लेप लगाइएगा किसी भी तरह का, तो वो आपको थोड़े देर के लिए, आपको टेम्पोरली आपको लगेगा कि आपके चेहरे में ब्राइटनेस आया, खूबसूरती आई, लेकिन वो अस्थाई नहीं हो सकता। तो सबसे पहले कि जो महिलाएं हैं उनको कैल्शियम, आयरन और विटामिन डी की बहुत सख्त ज़रूरत रहती है, तो इसको पूरा करें। गाजर का रोज़ यूज करें, बीट का यूज़ करें जो जिसको सरजम बोलते हैं, और टमाटर का यूज़ करें। इन सब चीज़ों से चेहरे में बहुत चमक आती है। और ऊपर से जो लेप की जहाँ तक बात है, तो कभी कभी कच्चे आलू को दही और बेसन के साथ मिला कर लेप लगाए चेहरे में, खीरा से सफाई करें चेहरे की, और मुंह में पानी भर कर, इसको कवल बोलते हैं आयुर्वेद की प्रक्रिया, मुंह में पानी भर कर थोड़ी देर मुंह को फुलाना है सुबह सुबह सुबह, रोज एक्सरसाइज करना। 15 दिन के बाद आप देखिएगा चेहरा इतना ग्लोज करेगा, इतना चमक। कितने मिनट तक ये करना है? ये 5 से 7 मिनट करना, मुंह में पानी रखकर फिर फेंक देना है कि एक ही पानी फेंक देना है, अब फिर दूसरा पानी ले लिए। इससे आपको फेसियल एक्सरसाइज हुआ, फेस का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, और आपके आँख की रोशनी में भी काफ़ी फायदा होगा। मसूड़े का एक्सरसाइज होगा, मसूड़े में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपका मस जिसका बहुत लोग चीक का पेन होता है, यहाँ पे पेन होता रहता है, उस तरह का समस्या बहुत दूर हो जाएगा।